अस्सलाम वालेकुम जी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? कल आपकी क्लास रुक गई थी दरमियान में, वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था जनरल। तो कल जो बातें शेयर हुई हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में थी, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बात की हमने, तो आज उससे बात आगे बढ़ेगी। और हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है कि आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर मिल रहे हैं, नो डाउट। अगर नेक्स्ट वीक से आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहे, वो उन्होंने बता रहे हैं, फिर आपको कहाँ से मिलेंगे? यही जो आपका campus.pk है उस पर लाइव लिखा होता है शुरू में, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे डेट वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको ये बात सारी क्लियर होगी, वहाँ आपको campus.pk पे ही सारे लेक्चर्स मिल रहे होंगे। तो आज हम उसी कहानी को शुरू करेंगे जो कल रुक गई थी। चंद बातें हैं पेरेंट और रियल वेट पे, कि ये कॉन्सेप्ट ठीक करना है आप लोगों का मैंने। दूसरा ये कि जो हमारे पास कैपलर लॉज हैं आज शेयर करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, ये स्टूडेंट मुफलिस के हैं जी। तो खलील मौजूद है, फिजा, समीन, मोहम्मद, सारान, हुजैफा, अक्सा, असद, फुजमा और अली, ये लोग मौजूद हैं। तो स्टे अटेंटिव, जहां मसला होना है सवाल पूछ लें। बात शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे गाइड करना चाहता हूं, कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बेटा, ये क्या चीज है? लेट्स सी What is frame of reference? Frame of reference, ये दो किस्म का होता है सर। What is frame of reference? Any three-dimensional coordinate system with respect to which measurements are made, that is called as frame of reference. तो frame of reference कुछ भी हो सकता है, आप एक गाड़ी में बैठे हैं तो it can be your frame of reference because it is you are going to consider it your measurements reference. तो अगर मैं पूरी जमीन को मान लेता हूं तो अर्थ वुड बी माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, इट्स इनर्शियल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आते हैं एग्जाम में। इट कैन बी इनर्शियल, इट कैन बी नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। सर मतलब एक गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ रेस्ट में, तो मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो है, गाड़ी का एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो वो ये एक इनर्शियल फ्रेम है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, इसको नॉन एक्सेलरेटेड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर उसी गाड़ी की एकदम से ब्रेक लगती है तो उस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी रेस्ट की हालत को कंटिन्यू नहीं कर पाया और गाड़ी अपनी मोशन की हालत को कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई जी। अच्छा, टेस्ट दो हो चुके हैं, हाँ हमने कल वाला टेस्ट भी इनका आज डिस्कस कर लें फिर। ठीक है, अच्छा इन दोनों लोगों ने लिया, बाकी लोगों ने लिया, आज आप फिर दोबारा हो सकता है टेस्ट, कल कर, हाँ तो कल कर लेते हैं ना, यही टेस्ट रिपीट करें ना कल, क्योंकि कल क्यों नहीं बच्चों ने किया, कि उनको लगा क्लास डिसमिस हो गई है तो सारी एवरीथिंग इज डिसमिस। तो लेट मी एक्सप्लेन बेटा, कल आप लोगों का टेस्ट था, कल आपकी क्लास तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जोन में चली गई बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो कल आपका 5 बजे टेस्ट है, आप लोगों के जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आप लोग अच्छा टेस्ट दें, मैं देख रहा हूँ 2 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट टेस्ट। तो टेस्ट कल 5 बजे दोबारा होगा, प्लीज लिसन केयरफुली, कल आपने 5 बजे टेस्ट दोबारा देना है, और तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि टेस्ट ज़रूर दें बेटा, तो फिर देन यू विल गेन सर्टन कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये फिज़ा कह रही है कि सर टेस्ट का बताया नहीं था, ये मुझे नहीं इलम बेटा, तो क्या बताया था या नहीं बताया था, तो अब आपको मैंने बता दिया, तो वो मज़ीद मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपको जैसे भी वो कम्युनिकेट करते हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर लें कि टेस्ट होगा कल इंशाल्लाह 5 बजे होगा बेटा। ठीक है, अब बात को आगे लेके चलते हैं। अब कहानी कुछ यूँ है कि ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पर मैंने बात की है, हुज़ैफ़ा, फिज़ा, अहमद, मोहसिन, बेटा एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ, कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आपको क्लियर है बेटा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो बेटा मैंने इनर्शियल वो कहा है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो रहा होता है। नॉन इनर्शियल इज दैट वन इन विच
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। सर क्यों? देखे ना, एक गाड़ी जा रही है, उसकी एकदम से ब्रेक लगी है, मैं आगे को गिर जाऊंगा और गाड़ी जो है रुक जाएगी, और उसमें वेलोसिटी इसमें चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इट इज नो मोर एन इनर्शियल बट इट हैज बिकम सम नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल का दूसरा नाम एक्सेलरेटेड है, इनर्शियल का दूसरा नाम नॉन एक्सेलरेटेड है। तो ये बेसिक्स आपकी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी बेटा तो आप लोग प्रॉब्लमेटिक जोन में ही रहेंगे। तो यू गॉट इट हुज़ैफा, आप लोग लिखेंगे कमेंट्स में कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इज क्लियर, बिकॉज हमारे आज के टॉपिक का ताल्लुक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा। जी आई थिंक यू गॉट इट बेटा। अक्सा खलील सवेरा है, सिद्रा अहमद, मोहसिन आमना है, सारान अली, सदफ, आसिफ, फिजा, समीन, मोहम्मद लिखा हुआ है बेटा आगे। तो आई थिंक यू गॉट इट स्टूडेंट्स, इट्स ओके, आपने लिखा है सारान ने बेटा, क्लियर, गुड। आगे चलते हैं कहानी को लेकर। जी बात कल आगे बढ़ी थी, व्हाट इज वेट, तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज वेट। तो वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज अ वेट। वेट का डायरेक्शन किधर है? सर इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सर ये कहाँ होता है? इट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सो डेफिनेटली वेट वुड बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, और अब जो हमारे पास ये, ठीक है सर ये बात खत्म हो गई। अब हमने आज अपेरेंट वेट पे कुछ बातें करनी है। मुझे याद आ गई बात कि मैंने एक क्वेश्चन का लिखा था, वो मैं दोबारा लिखता हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझे क्लियर आंसर पहले दें सर। अच्छा, अब रियल वेट कौन सा है? आम वेट जो हम शेयर कर रहे होते हैं सर, इनर्शियल फ्रेम है जो वेट है वो सर रियल है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम कौन सा है? लिफ्ट है, एकदम से चली है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, तो उस वक्त जो वेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट की मैंने डेफिनेशन लिखी है सर, वेट इन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज कॉल्ड एज अपेरेंट वेट। अच्छा, कहानी आगे लेके चलने से पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे तमाम बच्चे, ये जो मैं एमसीक्यू लिखने लगा हूं ये आप लोग ट्राई करें जरा प्लीज कि आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। क्वेश्चन ये है, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 256 न्यूटन, इज वेट ऑन अर्थ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्रैक क्या होता है, कैसे चलना है। जी नहीं बेटा, लिखा है कि एक पर्सन है उसका वेट 256 न्यूटन है मून पे, तो बताओ उस शख्स का वेट जो है वो अर्थ पे कितना होगा। क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? सो प्लीज ट्राई इट, मैं आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का वेट कर रहा हूं कि फिर हम बात को आगे लेके चलें। जी स्टूडेंट्स प्लीज देखिए, वेट जो है उसका क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी हुज़ैफा ट्राई इट, अस्लान साहब आप तशरीफ लाए हैं। जी तो क्वेश्चन ये है कि वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज 256 न्यूटन, इज वेट ऑन अर्थ वुड बी, तो अर्थ पे उसका वेट कितना होगा। जी अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके कार हैं। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि प्लैनेट टू प्लैनेट कौन बदलता है? वेट, मास नहीं चेंज होता। ठीक है, सवेरा ने कहा है 6 times ग्रेटर होगा, गलत है बेटा, ये आंसर नहीं है। खलील ने कहा है सेम, बिल्कुल ये भी गलत है, दोनों का आंसर गलत है। अच्छा तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि प्लैनेट टू प्लैनेट कौन चेंज होता है, प्लीज लिसन मी, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। खलील आपका आंसर गलत है, सेम नहीं है। ठीक है सर, तो अब दूसरा ये है कि कौन है जो चेंज कभी नहीं होता? मैस, मैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लैनेट, मैस प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम। अब क्वेश्चन का सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीकाकार है। पहला तरीकाकार तो ये है, अच्छा मैंने ये आपको पढ़ा दिया, मैं यहाँ सोल्यूशन करूंगा उसका, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं पढ़ा चुका हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है? इसका पहला तरीका तो सॉल्व करने का ये है कि देखें W इज इक्वल टू एम जी है ना, तो आप मून पे मैस निकालें पहले उसका, मून पे, ये मून पे, तो ये वहां मैस निकाल लिया आपने सर जी एम, और ये आ गया 256, मून पे उसका मैस 1.6 है, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा बेटा, ये 10 आ गया बेटा, ये आ गया 16, 16 आर, ये आ गया 160
केजी, ये उसका मैस आया मून पे। तो जब आप अर्थ पे आएंगे तो उसका वेट कितना होगा बेटा? अर्थ पे उसका वेट होगा सर जी ई 160 मल्टीप्लाइड बाय ई के साथ मल्टीप्लाई करें, जी ई अर्थ के ऊपर 10 है ऑलमोस्ट, 16 आएगा। सो योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होंगे तो बात बनेगी बेटा। आई थिंक यू गॉट इट खलील, नाउ यू गॉट इट। 1600 इट इज द राइट ऑप्शन बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1600 न्यूटन। ठीक है सर, कॉमन सेंस है भाई, जहां जी की वैल्यू ज्यादा वहां वेट भी ज्यादा। आपको नजर आ रहा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो जहां जी ज्यादा होता है वहां वेट भी ज्यादा होता है। तो क्योंकि जी अर्थ पे ज्यादा है तो वहां वेट भी ज्यादा, कॉमन सेंस इज देयर, तो सेम नहीं है। जी बोले भाई, अहमद आमना खलील हुजैफा समीन अरसलान नईम अक्सा सवेरा सिदरा मोहसिन सारान अली आसिफ और फिजा, ये लोग आप लोग मौजूद हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। तो जहां बेटा जी की वैल्यू ज्यादा वहां सर वेट भी ज्यादा होगा। सही है सर जी, आई ठीक है सर, खलील ने क्लियर कर दिया। ओके जी सारान, अच्छा इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या है? क्या क्या आप इस तरह कर लें इसको? देखिए ना, कई तरीका कार हो सकते हैं। आप ये ना जो इक्वेशंस बनाना सीखो आहिस्ता आहिस्ता। देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं कि W इज इक्वल टू एम जी है, लेकिन मैस तो प्लेनेट टू प्लेनेट सेम रहती है, मैस को छोड़ दें तो आपके पास आ जाएगा, आपने वेट कहाँ फाइंड करना है? ऑन अर्थ, हाँ 1540 ठीक है, 1600 के करीब है फलान सर। ये आ गया सर, सर ये आ गया ऑन अर्थ और ये आ गया ऑन मून, यानी W1 over W2 is equal to W2 over W1, आसान कर देता हूँ। W2 over W1 is equal to G2 over G1, तो वेट मालूम करना ये आ जाएगा G2 over G1 into W1। सर कितना है जी की अर्थ के ऊपर? 10, मून के ऊपर 1.6 और वेट कितना था? 256। ये इसके साथ कटेगा 16 और ये फिर वही आएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, वेट विल बी 1600। ठीक है सर, ये आ गई वैल्यू सर, सर ये क्लियर हो गया सर, जो हमारे पास वैल्यू है ये आ गई है सर। आगे बढ़ते हैं सर, इस पॉइंट की आपने वहाँ जीरो मेंशन कर दी है सर, ये जीरो, तो इट इज 1600 न्यूटन। ले जी स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट इट। ओके सर, अब आगे चलते हैं रियल एंड अपेरेंट वेट। भाई अपेरेंट वेट क्या है? बात बहुत सादा से अंदाज में समझाता हूँ मैं कि भाई एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब वेट होगा, मसलन मैं आपको बहुत सादा एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ये फ़र्ज़ करें ये एक बाट है, यहाँ कुछ हैंग हुआ हुआ है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है हाथ में स्प्रिंग को, साथ लिखा आ रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, इसका वजन ही 10 न्यूटन है। मैं एकदम से इसे ऊपर खींचता हूँ, गौर करना, यू करता हूँ, तो क्या होगा सर? एट दैट मोमेंट इसकी नीडल थोड़ी नीचे आएगी, तो वेट जो 10 न्यूटन पड़ा जा रहा था वो मुझे 12 लगना शुरू हो जाएगा। सर क्यों लगना शुरू हो जाएगा? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी यही सिचुएशन होती है कि जब आप किसी लिफ्ट में बैठते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपने रखा होता है वहाँ, तो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है तो ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता है अपेरेंटली, और जैसे ही लिफ्ट जाकर रुकती है तो वेट कम होता है। वो एक्सेलरेशन की वजह से है, वो एक्चुअल चेंज नहीं है, दैट इज द अपेरेंट चेंज। चलते हैं, देखें सर जैसे लिफ्ट रुकी हुई है तो वेट नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगी? टी माइनस एम। लिफ्ट रुकी है, एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स भी जीरो हो गई, तो टी इज इक्वल टू एम जी आ गया। तो एम जी क्या है? डब्ल्यू। तो टी क्या है? ये कौन सा वेट है? अपेरेंट, ये क्लियर कर लें, जो टेंशन है। और डब्ल्यू कौन सा वेट है बेटा? रियल। वेट चेंज नहीं हुआ, सेम है, रेस्ट पे है। अब जैसे ही लिफ्ट एकदम चलेगी, एक्सेलरेट अप होगी, एक्सेलरेट का मतलब है स्टार्ट्स अप, ऊपर चलते हुए एकदम स्टार्ट हुई है, तो एकदम उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। उसमें मैं मैथमेटिक्स लगाऊंगा, नेट फोर्स एम ए के बराबर आएगी, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये आ जाएगा सर। तो एम जी प्लस ए आएगा सर, एम इंटू जी प्लस ए। सर कौन सा फैक्टर बढ़ा यहाँ? इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो टी डब्ल्यू से बढ़ गया, अपेरेंट वेट बढ़ गया। व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड देन डेफिनेटली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। सर कितना बढ़ेगा भाई? जितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना अपेरेंट वेट भी ज्यादा होगा। असल में क्वेश्चन पूछता हूँ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद दिस वन 9.8, बताएं वेट कितना हो जाएगा? इट्स वेट विल बिकम, मैं ऑप्शन लिखता हूँ सेम,
हाफ डबल, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप लोग लिखेंगे तो मैं आगे बात को लेकर चलूंगा। आई एम वेटिंग योर कमेंट्स स्टूडेंट्स। अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद 9.8, 9.8 से एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बताओ ये बताइए कि बताओ वेट कितना हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स डबल लिखा है, सारान ने लिखा डबल, गुड शाबाश। इधर देखे बेटा क्वेश्चन बहुत सादा है, सर कितनी वैल्यू बढ़ी है, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपने कहा है कितने एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, सर जी एक्सेलरेशन से, ये जी है, एक जगह पर आ गया जी, ये आ गया 2mg यानी 2w, तो वेट हैज बिकम डबल, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक यू गॉट इट, इसका मतलब आप समझ आ गई बात की। अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g, अगर 2g से चल रहा होता तो वेट 3 times हो जाता, अगर 3g से चल रहा था तो वेट 4 times हो जाता। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा यहाँ मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात समझ आई है, वो भी क्वेश्चन किस एग्जाम का है वो मैं ज़रूर बोलता हूँ, वो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ रब करके वो क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। बेटा देखें, अगर तो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज बाय 50%, 100%, 200%। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। जी क्वेश्चन पढ़ें, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद 9.8, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज बाय, वेट कितना बढ़ जाएगा, कितना उसमें इजाफा होगा, 100% इजाफा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 200% हो जाएगा, या ये में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जी आसिफ, अदील, इदरा, आमना, खलील, हुजैफा, समीन, मोहसिन, बेटा आई एम वेटिंग, आप इसका आंसर दें फिर हम आगे चलें। स्टूडेंट्स अच्छा जी आपने कमेंट लिखा है बेटा सिदरा तनवीर ने, शायद आई एम न्यू टू कंप्यूटर सो हमें नहीं पता कि किस तरह चैप्टर से टेस्ट था और किस टाइप का था, एमसीक्यूज और रिटर्न। एमसीक्यूज टेस्ट है बेटा और कल 5 बजे होगा, ठीक है बेटा, वो आपको बता भी देंगे ऑफिशियली, ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर पर ही टेस्ट होता है, वो आप लोगों ने क्लिक ही करना होता है। जी रुस्तम अभी अभी आप आए हैं बेटा, रुस्तम यू आर लेट, क्वेश्चन ये चल रहा है, जरा देखो इसको। रुस्तम लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज बाय, वेट कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। जी इसका आंसर देंगे आप लोग, सवेरा ने लिखा है 100%, ओके, सारान ने कहा है बिल्कुल कोई वेट भी नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। जरा देखें परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। देखें ना, वेट हुआ है डबल, ये क्वेश्चन ये वाला है, ये अभी तो करवाया, ये वाला वेट डबल हुआ है बेटा, सर क्यों, देखे ना एक्सेलरेशन कितने से मूव कर रहा था, 9.8 से, यहाँ पुट कर लिया 9.8, तो ये 2mg हो गया, वेट डबल हो गया, बिल्कुल डबल हो गया। तो डबल होने का मतलब क्या होता है, जरा देख लें, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100%, डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो अब जिंदगी के लिए एक बात आसान तरीन हो गई है सर, दुनिया की कोई भी चीज़ जब डबल हो जाती है, अब हम इसको शॉर्टकट बना लेते हैं, आइंदा कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी कभी भी, कि अगर कोई चीज़ डबल हो जाए उसमें इजाफा 100% होता है, अगर 3 times हो जाए तो उसमें इजाफा कितना होता है, 200%, अगर वो 7 times हो जाए तो सर उसमें इजाफा कितना होगा, 600%। आई थिंक यू गॉट इट स्टूडेंट्स। अदील बेटा एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ये इंक्रीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया,
कि सर कोई चीज़ का इंक्रीज हम किस तरह से निकालते हैं, ये हो गया मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। वही लिफ्ट जो आपकी जा रही थी एक्सलरेट अप हुई थी सर, ग्राउंड फ्लोर से एकदम चली थी, अब ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, वो फिफ्थ फ्लोर पर जाकर रुक गई एकदम। उसमें पड़े हुए ऑब्जेक्ट का वेट अब कम हो जाएगा, अब जो वेट कम होगा ये वो उस वक्त एक्सलरेटिंग डाउन है, क्यों ब्रेक लगेगी ना, तो वेलोसिटी तो ऊपर होगी लेकिन एक्सलरेशन नीचे होगा, तो हम इसे कहेंगे एक्सलरेटिंग डाउन। इसमें वेट डब्ल्यू माइनस एम है, तो इस केस में वेट कम हो गया है, ठीक है सर। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, सर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी माइनस एम है, ये बात हो गई क्लियर, वेट कम हो जाएगा। अच्छा ये सारा माजरा यहाँ क्लियर है। अच्छा यही लिफ्ट अगर यहाँ भी मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, यही लिफ्ट जो है वो नीचे गिर जाए, उसकी स्ट्रिंग टूट जाए, ये क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, ये एक्सेलरेटिंग डाउन है, उसी लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट गई है, स्ट्रिंग टूट गई, तो ये जो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है, क्लियर करें, ये पूरा सिस्टम जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो इसमें पुट करें जी माइनस जी, टेंशन जीरो आएगी, इसे वेटलेसनेस की कंडीशन कहते हैं। यानी जब सैटेलाइट है, सैटेलाइट जमीन के गिर्द जब मूव कर रही होती है बेटा, कोई आपसे पूछे कि सैटेलाइट कौन से एक्सेलरेशन से मूव करती है, बेटा सैटेलाइट इज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज सैटेलाइट, इसका एक्सेलरेशन जी होता है, लेकिन सैटेलाइट के अंदर क्या होगा, इनसाइड सैटेलाइट, हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। सो प्लीज मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई चीज फॉरली फॉलोइंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका अपना एक्सेलरेशन जी है, जैसे उसके अंदर नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। जी यासिर अभी अभी आया है बेटा आप, आई थिंक यू गॉट इट, एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी केपलर लॉज पे, केपलर लॉज से पहले बात करेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स पे, जियो स्टेशनरी पे बात करते हैं बेटा, क्योंकि केपलर लॉज में ही जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स आते हैं। देखिएगा जी, अब है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, जी स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वो हैं कि जिनकी ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज सिंक्रोनाइज्ड, सर दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। ये देखें अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, कितनी देर में एक चक्कर मुकम्मल करती है, 24 आवर में। अर्थ पे फर्ज करें ये एक पॉइंट ए और यहां एक सेटेलाइट है ए डैश, तो 6 आवर के बाद क्या होगा, अर्थ का ये पॉइंट यहां आ चुका होगा और सेटेलाइट यहां आ चुकी होगी, तो अब 24 आवर के बाद क्या होगा, अर्थ ने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया होगा तो सेटेलाइट ने मुकम्मल कर लिया होगा, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अर्थ की वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल, सॉरी ये सेटेलाइट की वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल, और अर्थ की कौन सी है, स्पिन, ठीक है सर। तो ऐसी सेटेलाइट्स जो है इनके बेटा हमारे पास जो होगी दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी, क्योंकि अर्थ के एक खास पॉइंट के लिहाज से वो स्टेशनरी है, जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर। अच्छा अब इनका जो सर डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ वो कितना है, जी एम टी स्केयर ओवर 4π² की पावर 1/3। जब आप दोनों तरफ ये रेडियस है कि कितनी दूर होती हैं, ये अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ से सर 4 to 3 किलोमीटर पे होती हैं, ठीक है सर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा अब यहां मैंने एक बात ऐड करनी है, सर के अगर दोनों तरफ आप क्यूब लेते हैं तो टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आएगा, टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जी नईम ने पूछा है जी मैं कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर सका, आप कैंपस डॉट पीके पे ही जाएंगे ना, जब आपको लॉगिन मिला है तो उसमें जाके ऊपर लाइव का बटन बना है उसको क्लिक करेंगे तो नीचे जाके सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नईम जी
ये आ गया टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है सर। तो एक एमसीक्यू करते हैं यहां से, फिर बात करेंगे। इफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज मेड, इफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज मेड डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, करें जरा सॉल्व। एक प्लैनेट है सन से, उसका डिस्टेंस जो है ऐसे निकाल रहे हैं, उसका डिस्टेंस जो है वो सन से बढ़ा दिया गया है सर, टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। उसका डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा सर, उसका टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा चक्कर उसका मुकम्मल करने का। तो कितना हो जाएगा सर, सर करें क्वेश्चन यहां से, टी स्केयर डिस्टेंस डबल हुआ है, ये आ गया मेरे पास सर एट टाइम हो गया, स्केयर रेट लेंगे नया टाइम जो है वो टू इंटू अंडर रूट टू टाइम हो, ये आ जाएगा टाइम बढ़ जाएगा सर। ये बात मुकम्मल हो गई है कि जो हमारे पास टाइम है दैट विल चेंज, दैट विल इंक्रीज। अच्छा ये बात यहां मुकम्मल होगी। अब है बेटा कैपलर लॉज, तीन कैपलर लॉज है, इससे बाद मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे मैं बात करूंगा। अब है आपके पास कैपलर लॉज बेटा, ये इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के लिहाज से बेटा, आते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला कैपलर लॉ क्या है कि तमाम प्लैनेट्स जो हैं बेटा वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, उनका रास्ता एलिप्टिकल होता है। दूसरा कैपलर लॉ है फॉर प्लैनेटरी मोशन, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। तीसरा कैपलर लॉ यही है जो आपने सर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में फार्मूला पढ़ा है, दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, ये एमएससी में पढ़ाते हैं, उनके कैपलर लॉज क्या है। पहला कैपलर लॉ ये कहता है कि तमाम प्लैनेट्स कौन से रास्तों में मूव करते हैं बेटा, एलिप्टिकल। दूसरा कि प्लेनेटरी मोशन में कौन सा लॉ सेम रहता है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बेटा। तीसरी बात ये वाला जो अभी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में जो फॉर्मूला बनाया, ये कैपलर का ही लॉ है असल में सर। व्हाट डज इट से, इट सेज दैट द स्केयर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या मतलब कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका टाइम भी कवर करने का ज्यादा। I think your concept is clear बेटा about sir planets। तो ये बात यहाँ मुकम्मल कर दिया बेटा। इसके बारे में कोई question है तो पूछ लीजिए, मैं इसको रब करने लगा हूँ। जी students, I think it's clear till now। जी students, अब है हमारे पास angular momentum और law of conservation of angular momentum। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात यहां ऐड कर दूं कि अब मैंने आज क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ानी है, लैग्रांज और हैमिल्टोनियन की बातें कर रहा हूं, तो ये बेसिक्स बड़े काम आएंगे, मुझे एंगुलर मोमेंटम बार बार बताना पड़ेगा आपको। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम को जरा रिलेट करना सीख लें आप लोग, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को मैं यहां रिलेट कर भी देता हूं, तो वो जरा अच्छी तरह सीख लीजिएगा। जरा देखें एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, मैथमेटिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट है पोजिशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम का। अच्छा आर पी अगर साइन 90 है तो ये आ जाएगा एम वी आर, या वी की जगह पर अगर आप आर लगा लें तो ये एम आर स्केयर ओमेगा आ जाएगा, या एम आर स्केयर को आई कह सकते हैं, तो ये आई ओमेगा आएगा। ये बेटा लाइक लीनियर मोमेंटम ही है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके अब अगर लीनियर मोमेंटम बनाए इसके साथ, लीनियर से रिलेट करें ना इसको, तो पी बेटा यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो किरदार एंगुलर मोशन में है वो लीनियर मोशन में किसका किरदार है, मैथ का।
और लीनियर मोशन में कौन आएगा? वेलोसिटी। तो यहां से आप ये फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं जिक्र कर रहा था कि भाई आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में जब जाना है तो आपको बार बार इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिक्स की। तो इसलिए इनमें से गो थ्रू करवा रहा हूं। और मैं ये बताता चलूं, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, पीपीएससी का 70% पेपर जो है, मैं अभी आपसे जब टेस्ट लूंगा अभी, 70% पेपर जो बेसिक बेस्ड होता है, तो अपने बेसिक बहुत स्ट्रांग करें आप जी। तो अब आप चलें आगे, टेस्ट जरूर दें, आप लोगों की चीजें क्लियर हों। अब है बेटा कि अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बात करते हैं। जिस तरह आप ये पढ़ते हैं, जुमला सुनिएगा कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो लीनियर मोमेंटम चेंज कर देती है, इसी तरह फोर्स की जगह पर आ गया टॉर्क, तो डेल्टा पी की जगह पर कौन आ गया? डेल्टा। तो टॉर्क लगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है, अलर्ट रहिएगा पॉइंट। सर अगर टॉर्क ना लगे तो, टॉर्क ना लगे तो ये आ गया जीरो, एंगुलर मोमेंटम का चेंज जीरो। जिस चीज का चेंज जीरो होता है, जिसका डिफरेंशियल जीरो होता है, वो खुद कॉन्स्टेंट होता है। तो पता चला इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस कॉन्सेप्ट पे असल में एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, वो हम देखते हैं। सर मैं यहां दो एमसीक्यूज लिखता हूं, आपने जरा उन पे गौर करना है। हमारे पास ये एक बीकर है, रोटेटिंग डिस्क पे पड़ा है, इसमें मजीद वाटर ऐड करते हैं। इफ मोर वाटर इज एडेड, तो बताएं हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, अ पर्सन होल्डिंग डंबल्स इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, इफ ही मूव्स डंबल्स टुवर्ड्स चेस्ट, तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इन दोनों क्वेश्चन पे आप, अच्छा जी ये लिखा आ रहा है बेटा, ब्लू आ रही है वीडियो, बेटा ये देखिएगा जरा, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं भाई। हेलो भाई, ब्लू लिखा आ रहा है बेटा, बच्चे लिख रहे हैं कि ब्लू आ रही है वीडियो, तो देखिएगा क्या। अच्छा मुझे नहीं पता, आप जिसने जहां बैठना है वो फिर बताओ, जिसने सेट करना है। ये बच्चे लिख रहे आ रहे हैं सर, ब्लू आ रही है वीडियो सर जी। अच्छा बेटा देखिए, कि एक क्वेश्चन है हमारा इस पे कि वाटर इज एडेड, ब्लर कुछ वीडियो उसकी आ रही थी बेटा, क्या वजह है? अब तो ठीक हो गई है। अच्छा देखिए कि अगर हम मजीद कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, then what is going to happen with the angular velocity? अब इसमें law of conservation of angular momentum apply करेंगे बेटा आप, L is equal to है I omega, और I omega बेटा constant रहना चाहिए क्योंकि हमने कहा है angular momentum constant। बेटा जब इसमें water add करोगे तो moment of inertia बढ़ेगा, moment of inertia m r square के बराबर है ना बेटा, ये mass बढ़ेगा तो moment of inertia बढ़ेगा, तो angular velocity उतनी ही क्या हो जाएगी, कम, तो इसका answer है decrease। ये तो इजी है। अच्छा अब इसमें आपने बताना है कि पर्सन है, उसने डंबल्स पकड़े हुए हैं अपने हैंड में और वो एक रोटेटिंग डिस्क पे बैठा है, अगर वो डंबल्स को चेस्ट की तरफ लेके आता है तो फिर क्या होगा? बेटा यहां देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है सर, मैस पे भी डिपेंड करता है और पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। अब वो जो डंबल्स थे वो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है, पूरे सिस्टम का। जब वो करीब लेके आएगा तो क्या होगा? बेटा जितना करीब लेके आएगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, देखिए आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
इसका आंसर है इंक्रीज। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है सर, आई थिंक यू गॉट इट, इट्स ओके सर। अब बेटा बात को हम आगे लेके बढ़ेंगे, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ आइडियाज आ रहे हैं। अच्छा अब दो बातें मैं थोड़ी सी कर लूँ आज दरमियान में, अब आगे हमने फ्लूइड्स पे कुछ बात करनी है और कल इंशाल्लाह हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशंस, तो ये आगे चलती रहेगी फिर हमारी बातें। लेकिन उससे पहले मैं सिस्टम्स पे कुछ बात कर लूँ आपके साथ, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज बाज़ुकात सिस्टम्स में से वो देता है और बच्चे वहाँ मिस्टेक कर बैठते हैं। तो वह ज़रा देखिए, मसलन मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अर्ज सेकंड इज यूनिट ऑफ, चले आप इस पे सोचें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है। जी स्टूडेंट्स, वर्क कहा है आपका, गलत है जी, अर्ज सेकंड वर्क का यूनिट नहीं है, ठीक है। एनीवन एल्स मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, ये आपके सिस्टम्स का मामला भी क्लियर करवाने लगा हूँ, इसलिए आपको सीजीएस और ये सिस्टम तो आपको कंफ्यूज ना किया करें। हिम्पल्स लिखा है खलील, आपका भी गलत है खलील, पावर बिल्कुल गलत है आपका, तीनों का गलत, सबका आंसर गलत है बेटा खलील, ये आंसर नहीं है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम ठीक है आंसर, सरान आपका आंसर ठीक है बेटा एंगुलर मोमेंटम। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आप सुने, अब आप ना आप आंसर लिखे, आप सुने सारे बच्चे गौर से, डोंट राइट, अब सिर्फ सुने। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई कि आप साथ साथ लेक्चर नोट ना किया करें, आप जब campus.pk पर रजिस्टर हो चुके हैं तो ये सारे लेक्चर्स यहाँ मौजूद है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो बाद में आप लोग लेक्चर देख लिया करें, कोई रिकॉर्डिंग के बाद लिखा, अभी जब मैं जो काम करवा रहा होता हूँ जैसे बोल रहा होता हूँ वो सुना करें, दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न, ठीक है बेटा। तो मोहम्मद एनर्जी नहीं है बेटा, गलत है, अब सुने, आप लिखे ना आंसर, ना लिखे सारा ना आंसर ठीक है आपका बेटा, हाँ मेरी बात गौर से सुननी है, अब लिखना नहीं है। देखिए भाई एक बात तो यहाँ है कि जो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, सीजीएस में इसका यूनिट डाइन है। अब ये डाइन क्या है सर, डायनामिक्स में है, ग्रीक लैंग्वेज में पावर को डायनामिक्स कहते हैं, वहाँ से उसका ये यूनिट डाइन है, ठीक है। एक जो हमारे पास न्यूटन है दैट इज इक्वल टू 10^5 डाइन, एंड वन डाइन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। ये आपके मजीद कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, जरा देखें, F इज इक्वल टू बेटा m है ना, तो ये आ गया मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप CGS सिस्टम में चले जाते हैं, ये S सही है, अब मैं CGS में आता हूँ तो क्या होगा, F इज इक्वल टू m है, तो वहाँ मास जो है वो ग्राम में आएगा और एक्सेलरेशन मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में आएगा। तो फोर आप न्यूटन की डेफिनेशन कहते हैं, फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन If it acts on an object of 1 kg and produces an acceleration of 1 m/s². Okay? तो अगर यहाँ आप definition करेंगे तो force CGS में क्या होगी, dyne. Sir, force is said to be 1 dyne if it acts on a body of a mass 1 gram and produces an acceleration of 1 cm/s². अब देखें इनका ताल्लुक क्या है, 1 gram किसके बराबर है, -3 kg, सेंटीमीटर किसके बराबर है, -2 m/s², ये मिलकर बना -5 kg/s², इसे न्यूटन कहते हैं, तो -5 न्यूटन, तो 1 dyne इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। सही बात समझ आ गई है, या 1 न्यूटन किसके बराबर आएगा, 10^5 dyne। अगर आप भूल जाएं कभी, उसका तरीका ये है कि ऐसे यूनिट्स बड़े होते हैं, ऐसे यूनिट्स आर लार्जर आमतौर पर,
ये एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये सारा माजरा क्लियर हो गया, आगे बात को लेकर चले। इसी तरह जो वर्क है, वर्क के भी एसआई भी होगा, सीजीएस भी होगा। एसआई यूनिट इसका क्या है? जाउल। सीजीएस यूनिट क्या है इसका? अर्ज। अर्ग भी कहते हैं वैसे तो। 1 joule 10^7 अर्ज के बराबर है, या 1 अर्ज जो है वो 10^-7 जाउल के बराबर है। ठीक है सर, सर ये सारा माजरा क्लियर हो गया, सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए। अब आप आए अपने क्वेश्चन पे। तो भाई आप ये गौर करो कि जो न्यूटन एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम इसके दो यूनिट्स होते हैं। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी है और जाउल सेकंड भी है, जाउल सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर यूनिट जाउल सेकंड है एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट जाउल सेकंड है, जाउल सेकंड। तो सीजीएस में फिर क्या होगा? जाउल की जगह पर कौन आ जाएगा? अर्च और 7 सेकंड। तो अर्च सेकंड किसका यूनिट है? एंगुलर मोमेंटम का। मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए कि आइंदा जिंदगी में कभी भी सीजीएस को रिलेट करना पड़ जाए सर एसआई के साथ तो देर शुड बी नो कन्फ्यूजन। आई थिंक एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स, स्टे मोटिवेटेड, ठीक काम करें। कल टेस्ट है 5 बजे, टेस्ट दें, अच्छा परफॉर्म करें, फिर हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। लैग्रांजियन जब हैमिल्टोनियन पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार बातें करूंगा एंगुलर मोमेंटम की वहाँ, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा, हम कहेंगे जी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बनाए हमने, ये हो गया तो हमने शेयर करना है। तो बेटा हम इंशाल्लाह सारे लेवल्स पे बात करेंगे। हम किन एरियाज पे फोकस करेंगे जो सर, हम उन एरियाज पे फोकस करेंगे जो पीपीएसवी को टच करता है। मैं आपको क्यों कोचिंग दे रहा हूँ, क्या वजह है? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा पीपीएससी क्लियर कर चुका हूँ और दोनों दफ़ा मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट मींस आई कैन गाइड यू, तो आई विल गाइड इन दैट वे कि भाई जैसा पेपर आता है जिन एरियाज को पीपीएससी टच करता है उन्हीं एरियाज को इंशाल्लाह हम टच करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप ये देखिए हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो 70% बेसिक में से फिजिक्स में पेपर आता है, फिर बीएससी एमएससी को भी हम हैमिल्टोनियन, लैग्रांजियन, पॉइंटिंग वेक्टर, स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सारी बातें करेंगे। बीसीसी एफसीसी पे बात कर रहे होंगे और इंशाल्लाह, और फिर जो हमारे सारे एरियाज हैं सर, सर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भी बात कर रहे होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पे भी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर पे बातें कर रहे होंगे, ये सारे इंशाल्लाह डाइवर्जेंस पे, कर्ल पे बातें हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी स्टूडेंट्स, आपने लिखा है सारान एवरीथिंग इज क्लियर, यासिर ने लिखा इट्स ओके सर थैंक यू। तो एनी अदर क्वेश्चन? शाकिर, अभी आप लेट आए हो बेटा। शाकिर जी स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें सवाल ज्यादा पूछा करें, दिमाग खाया करें। भाई आप लोग तो, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो मुसीबत डाल देनी चाहिए मुझे। तो आप लोग सवाल पूछा करें जो रिलेटेड है, जो जो बात हो रही है उसमें से क्वेश्चन पूछा करें। तो कल मैं फ्लूइड डायनामिक्स पे थोड़ी सी बात करके देन आई विल स्विच टूवर्ड्स सर वेव्स एंड ऑसिलेशंस और वहाँ से आगे बढ़ते उड़ते इंशाल्लाह। मैंने कोशिश करनी है 1-1.5 वीक में मैं आपकी सारी बेसिक फिजिक्स जो है वो सारी क्लियर करके फिर हम बीएससी और एमएससी के सारे टॉपिक्स को भी इंशाल्लाह शेयर कर रहे होंगे। पहले मेरा यही इरादा था कि साथ साथ एमएससी को भी लेके चलूं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर वो गड़मड़ हो जाएंगी चीज़ें। बेहतर है आपकी बेसिक फिजिक्स पहले स्ट्रॉन्ग की जाए, फिर हम आगे इंशाल्लाह बीएससी के एमएससी के जो एरियाज हैं जिनको टच किया जाता है वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? वेटिंग योर फॉर योर कमेंट्स। तो यहाँ आपका लेक्चर जो है वो बेटा आई थिंक टाइम इज अप। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अर्ज स्टैंड्स फॉर, बेटा मैं बता देता हूँ, जिस तरह ये हमारे पास डायनामिक्स है डाइन से है, और जो है वर्ड पूरा अच्छा। सी जी एस यूनिट ऑफ पावर, सर पावर का बेटा यूनिट सुन ले मैं, अब आपको बल्कि मुझे बताना चाहिए भाई पावर का सी जी एस यूनिट बताएं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, पावर किसके बराबर है सर? डब्ल्यू ओ टी, जाउल पर सेकेंड, ये हो गया एस आई। तो सर सी जी एस क्या होगा फिर?
सीजीएस में जूल की जगह पर क्या ले आओगे, अर्च पर सेकंड, तो ये सीजीएस में आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा चले अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर लिखा है सर। सर केपलर लॉज के बारे में कुछ मजीद बताएं। बेटा केपलर लॉज आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन, तो तीनों मैंने बता दिए। अच्छा टेस्ट के टॉपिक्स कौन से हैं बेटा, सिद्रा ने पूछा हुआ है। मैं ये बता दूं कि टेस्ट के टॉपिक्स जो हैं बेटा आपके जो सर प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्लैनेटरी मोशन है, कुछ इसमें बात है, प्रोजेक्टाइल है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सारी बातें हमने इसमें शेयर की थी, और मोमेंटम है, ये हमारे टेस्ट के टॉपिक्स हैं बेटा जी। अर्ज पर सेकंड, अच्छा अब मैं पूछ रहा था ये अर्ज पर सेकंड हो गया, किसके यूनिट्स है बेटा, ये बन गए। अच्छा अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन जा रहा है, चल ही रहा है सीजीएस, तो आप मुझे बताएं डाइन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बेहतर है आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स को ट्रिगर किया जाए और मजीद चीज़ों पे लेके जाया जाए, पूछ लिया जाए। जी बताएं स्टूडेंट्स आप, जी शाबाश ये स्टूडेंट्स। डाइन पर मीटर किसका यूनिट है, इसको असाइनमेंट ना छोड़ दें, आप खुद कोशिश कीजिएगा कल स्टूडेंट्स। टॉर्क का तो बिल्कुल गलत है आमना बेटा, सरफेस टेंशन, ठीक बताया सारान ने सरफेस टेंशन। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट का भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है एफ ओवर एक्स न्यूटन पर मीटर, एसआई में। तो बेटा सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन की जगह पर डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह पर मीटर आएगा, या पर सेंटीमीटर बना लें आप, पर सेंटीमीटर कर लो और ज्यादा हो जाए पर सेंटीमीटर, ये सीजीएस में ये हो जाए। इसी तरह ये सरफेस टेंशन का भी है, सरफेस टेंशन होती है लिक्विड्स के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर लिख लें या इसको डाइन पर सेंटीमीटर लिख लें, एनी हाउ ठीक हो गया। अच्छा सिद्रा तनवीर ने पूछा कि सर ये जो शुरू में हमने टॉपिक्स नहीं पढ़े उनको आप रिपीट करेंगे, बेटा उसके सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप campus.pk पर रजिस्टर हुए हैं तो शुरू में लाइव लिखा है उसको क्लिक करें, नीचे सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं बेटा, तो वहां से वो आप पढ़ सकते हैं। जी जी बेटा ये सारी बातें यहां कंप्लीट हो गई हैं, और कोई चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कल मैंने आपको आगे आइडियाज बता दिए हैं, थोड़ा सा फ्लूइड डायनेमिक्स और फिर इंशाल्लाह वेव्स, फिर आगे के बाद वही सीक्वेंस आएगा, वेव्स के बाद हम कुछ बातें लेंसेज पे करेंगे, पावर ऑफ लेंस का एमसीक्यू 2-3 दफा आ चुका है इसमें पीपीएससी में, तो ये हम लेके चलेंगे बेटा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसी तरह से सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, एसी सर्किट्स को पढ़ेंगे, सॉलिड्स पे बात करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे ऑन सर इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर मॉडर्न फिजिक्स एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स, तो दिस विल बी द फ्लो इंशाल्लाह। अच्छा लेक्चर नोट्स पूछा है रुस्तम ने कि लेक्चर नोट्स, बेटा जो जो चीज़ें हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा, कल भी कुछ अपलोड करवा दूंगा, जो लेक्चर नोट्स चाहिए वो मैं करता रहूँगा अपलोड इंशाल्लाह, तो जो शॉर्टकट मैंने बनवाए हुए हैं वो सारे शॉर्टकट भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है लेक्चर नोट्स। और बाकी जो मैंने कहा कि साथ साथ लेक्चर नोट नहीं करना, आप लोगों ने लेक्चर जो है वो बाद में नोट करना है, जब आपको वीडियो देख रहे हो लेक्चर की बेहतर है, साथ साथ नोट करोगे यू वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, मैं ये चाहता हूँ कि आप साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हो बेटा, ठीक है जी, ओके जी बेटा अल्लाह हाफिज, यहाँ आज हम बात को मुकम्मल करते हैं। ओके हेलो, हाँ जी मैं लेक्चर हो रहा पूछना कि पूछना है कि पॉइंट्स क्या हैं। चलो ठीक ओके जी सर।